श्री गणेश। भक्तों, आज हम आपके लिए एक अन्य रोचक त्यौहार के बारे में जानकारी लाए हैं। क्या आप जानते हैं विनायकी गणेश चतुर्थी क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? और आज हम आपको इस संबंधित सारी जानकारी प्रदान करवाएंगे। कैसे आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बना सकते हैं, कैसे माँ अपने बच्चों से अपना प्रेम बढ़ाने के लिए कौन सी कथा कहानी उन्हें सुनाएं और कौन से व्रत में उन्हें शामिल करें, कौन सी पूजा में उन्हें अपने साथ बैठाएं। तो सभी बच्चे अपनी माँ से, पिताजी से अत्यंत प्रेम करने लगेंगे। आज 4 फरवरी 2022 विनायकी गणेश चतुर्थी है। और आज विनायकी गणेश चतुर्थी का दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश को माँ पार्वती ने उत्पन्न किया था। और वो किस प्रकार से किया, वो भी हम कथा इसी वीडियो में आपको बताएंगे। इस मास माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और इस जन्म उत्सव पे भगवान गणेश जी का किस प्रकार से प्रागट्य हुआ, ये भी आप जान लेंगे। आज के दिन जो गणेश चतुर्थी है, इस दिन आपको एक भारी कलंक लग सकता है यदि आपने एक कार्य किया तो। हम वो भी बताएंगे कि इस दिन आप क्या ना करें, वरना जो कार्य आपने किया ही नहीं, जिस मुसीबत में आप फंस जाएंगे और क्या करने से आप पर एक भारी लांछन लग सकता है, वो भी हम आज के दिन ही आपको नहीं करने वाला कार्य भी बताएंगे। तो माता पार्वती को एक बार अपने पुत्र प्राप्ति की जब इच्छा हुई तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर उबटन लगाया और उस उबटन को उतार कर उसमें माँ ने जीवन डाला, तब गणेश जी की उत्पत्ति हुई। और गणेश जी मातृप्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वो अपनी माता के प्रेम और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अनजाने में अपने पिता से भी भिड़ गए थे। और जिस कथा का आपको पता ही है कि उनके शीश को भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उतार कर फिर बाद में माता के कहने पर उन पर गणेश जी यानी के गण हाथी का सिर उनके धड़ पर लगा कर उन्हें फिर से जिंदा किया था। तो माँ से इतना अत्यंत प्रेम करने वाले बच्चे आपके घर में भी हों, इसीलिए बच्चों को भी आज के दिन पूजा में जरूर शामिल करें। आप अगर गणपति जी का पूजन अच्छी प्रकार से आज के दिन करते हैं तो वह प्रसन्न होकर बुद्धि का भी वरदान आपके बच्चों को और आपको प्रदान करते हैं। और इनका बहुत बड़ा परिवार है, उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। तो माँ ने इनकी उत्पत्ति अपने उपटन से की थी और उपटन से करने के कारण उसमें थोड़ा सा कुछ अवगुण था जिसे भोलेनाथ ने दूर कर दिया था। गणेश जयंती का व्रत करने से आपको यदि संतान न हो तो संतान भी प्राप्त हो जाती हैं, संतान में यदि कुछ अवगुण हो तो वो अवगुण भी दूर हो जाते हैं। और इस पूजा में उन्हें विशेष तौर पर शामिल जरूर करें। इस दिन प्रातःकाल शाही स्नान करके आप व्रत पूजा नियम संकल्प लें और गणपति जी की मूर्ति स्थापना करके घी का दीपक जलाकर उन्हें गंगा जल का छींटा लगाकर और अच्छी प्रकार से धूप दीप नवेद दिखाएं, उन्हें विशेष प्रकार से जो पसंद हैं लड्डू और मोदक, उन्हें लड्डुओं और मोदक का भोग लगाएं। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो विशेष इच्छा को पूरा करवाने के लिए आप 21 लड्डुओं का उन्हें भोग चढ़ाएं और बाद में प्रसाद रूप में अपने परिवार व अन्य अड़ोसी पड़ोसियों में उन्हें बांट दें। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप उन पर दुर्वा का अर्पण करें। 21 दुर्वा यदि आप गणपति जी पर अर्पित करते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर पान के पत्ते पर 2 लड्डू रखकर उन्हें विशेष रूप से यदि आप अर्पण करते हैं तो वह भी आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इसे बहुत ही अच्छे प्रकार से प्यार प्रेम से गणपति जी को
अच्छी प्रकार से मनाएं, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें दीप दर्शन कराएं और फूल पुष्प अर्पण करें। इस दिन आपके सभी कष्ट और धन संपत्ति दरिद्रता संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इस दिन कभी भी आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप इस दिन पीले फूल चढ़ाएंगे तो विशेष प्रकार से गणेश जी की कृपा आप पाएंगे। इस दिन यदि आप व्रत भी रख लें तो आपको और भी ज़्यादा पुण्य का भागी गणेश जी बना देते हैं। इस दिन पूजा का जो मुहूर्त है उसका समय सुबह 11:30 बजे से दिन के 1:40 बजे तक का है। ये आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट का जो समय है इसमें आप उनकी विशेष प्रकार से पूजा करें। हमने आपको बताया था यदि आपने इस दिन एक काम किया तो आपको भारी लांछन लग सकता है। ना करते हुए भी आपने कोई दुष्कृत्य नहीं किया परंतु फिर भी आपको अनेक प्रकार से कलंक का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या ना करें हम आपको अब वो भी बता देते हैं। इस दिन यदि आप रात के समय शाम के समय चंद्र दर्शन करेंगे, चंद्रमा को अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत भारी पाप का भागी बनना पड़ता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है, वो भी हम आगे आने वाले समय में आपको इसी बाबा का आशीर्वाद चैनल पर ला देंगे और आप देख लें और उसे सुन लें और पुण्य के भागी तब भी बने। तो आगे हम आपको बताते हैं यदि आप इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं और आपको ये पाप लग जाता है तो इसका निवारण कैसे करेंगे। इस दिन यदि आप चंद्रमा के दर्शन का पाप लगने पर आप 51 बार अगर नारायण 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 मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कुछ अल्प मात्रा में और इस कलंक से छुटकारा पाने में कुछ सहायता प्राप्त हो जाती है। आप गणेश जी को जानते ही होंगे, उनकी पत्नी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि और दूसरी का नाम सिद्धि है। इनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। शुभ की पत्नी का नाम तुष्टि और लाभ की पत्नी का नाम पुष्टि है। आप सिर्फ गणेश जी की ही जो पूजा आराधना व्रत नियम करते हैं, धूप दीप दर्शन कराते हैं, नवेद का भोग लगाते हैं, उससे इनका पूरा परिवार खुश हो जाता है और शुभ लाभ की भी आपके व्यापार और घर में आशीर्वाद बना रहता है। इनके गणेश जी के जो पौत्र हैं, जो शुभ लाभ के बेटे हैं, वो हैं आमोद प्रमोद आनंद मंगल यश और वैभव। ये सभी आप जानते हैं नाम के अनुरूप ही आपको अनेक प्रकार के घर में वरदान प्रदान करते हैं। आपके घर में इस प्रकार से सभी की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और आपके घर में मंगल ही मंगल गीत गान होने लगते हैं और आपका वैभव चारों दिशाओं में और सभी ओर अच्छी प्रकार से फैलने लगता है। गणेश जी की पूजा करने से इन सभी देवी देवताओं यानी कि रिद्धियां सिद्धियां भी आपके घर में सहायक होंगी, शुभ भी होगा और आपको लाभ भी होगा, आपके घर मंगल भी होंगे और यश गान होगा। यश का मतलब आप जानते हैं, यश मतलब पूरे जगत में आपके घर परिवार वालों का, बच्चों का, बूढ़ों का, सभी का जो मान है वो सम्मान हर जगह होगा। यदि आप इस पूजा में अपने बच्चों को विशेष तौर पर शामिल करते हैं तो वो अपने माता पिता से प्रेम बहुत करते हैं। आप जानते हैं गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके जो पूरी धरती का इसमें सामर्थ्य दिखाया था कि माँ बाप के चरणों में सभी देवी देवता एवं सभी ग्रह उपग्रह शामिल होते हैं, उनकी माता पिता की पूजा से सभी आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। तो बच्चों को साथ शामिल करने से गणेश जी उनके मन में अपने माता पिता के प्रति भी अच्छी प्रकार से भाव उत्पन्न करवाते हैं। बच्चों को इसीलिए इस दिन अपनी इस पूजा में विशेष तौर पर शामिल करें। आप जानते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी को अच्छी प्रकार से आप वंदन करें, स्तुति करें, उनका गान करें, हो सके तो 1-2 भजन भी उनके स्तुति में आप गाएं। इस प्रकार की अनेक जानकारियां हम बाबा का आशीर्वाद चैनल पर लाते रहते हैं। भक्तों,
आप इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारा चैनल बाबा का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री गणेश।